इस वीडियो में आज आप लोग को इस तरीके से बेडशीट डिजाइन बनाकर दिखाने जा रहे हैं। ये जो डिजाइन है मल्टी कलर में है, लेकिन हम आप लोग को एक ही कलर में बनाकर दिखाएंगे। तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करिएगा तो कमेंट या व्हाट्सअप करिएगा तो हम ये डिफरेंट जो है वो बेबी फलिया में बनाकर दिखा देंगे, बेबी बेडशीट पे। तो देखिए बनाना बहुत ही आसान है और बनने के बाद प्यारा भी बहुत लगता है। अगर आप लोग हमसे बनवाना या मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बिना स्किप के पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग के समझ में आएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप बनाकर बताया है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छी होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोग को बेडशीट डिजाइन, पिलो कवर डिजाइन, बेबी बेडशीट डिजाइन, कुशन कवर, कुछ भी इस डिजाइन से बना सकते हैं, सिंगल डबल बेबी फलिया डिजाइन। तो इससे इसके लिए हमने दो कलर का कपड़ा लिया है। कलर आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट भी कलर ले सकते हैं, आगे आपको बताएंगे किस तरीके से करना है। तो ये देखिए, चलिए इसका मेजरमेंट आप लोग को बता दें। ये देखिए हमने ये लिया है 2.5 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई, इस तरीके से। तो हमने ये लिया है, हमारा ये हमारा 12 पीसेस है और ये हमने लिया है इस तरीके से 2.5 इंच की हमने चौड़ाई लिया है। लंबाई अपने हिसाब से जितना भी लगेगा, अभी हम यूज करेंगे तब भी बताएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लिया है। अब हमें क्या करना है, ये लेना, तो ये वाइट वाला पीसेस लेंगे और हमें ये मैरून कलर का पीसेस लेना है। तो इसको हम अच्छे तरीके से बराबर करते हुए इसको इस तरीके से रखेंगे और अच्छे तरीके से हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो हमने एक साइड सिलाई कर लिया और अब इसके बराबर से कटिंग कर देना है, देख सकते हैं। और इसको हमने इस तरीके से कटिंग कर दिया। अब दूसरी साइड सेम ही रखेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेंगे। देखिए इसको हमने इस साइड रखा और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए इसको भी हमने कटिंग कर दिया। तो ये देखिए हमने कट कर दिया इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा पट्टी है इसको इस तरीके से रखेंगे इसके साइड। तो देखिए इसको भी हमने एक साइड इस तरीके से सिलाई कर लिया। अब इसको कर देंगे कटिंग। तो हमने कटिंग कर दी। यहाँ पर हमारा जब हम शूट कर रहे थे वीडियो तो कैमरा हमारा थोड़ा इधर हो गया था, तो ये सिलाई जब कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा होगा आई होप कि हम किस तरीके से बता रहे हैं। तो अभी आगे हम सही कर लेंगे, इसको हमने देख लिया था। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको भी कटिंग कर दिया एक साइड सिलाई कर, और इसी तरीके से हम दूसरी साइड सिलाई करेंगे। ये देखिए जो वाइट वाला हमारा पीसेस रहेगा वो बीच में रहेगा और इस साइड भी हम सेम ही करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा वाइट वाला है वो साइड में रहेगा और ये देखिए हमने कर दिया कट। अब इसको भी हम कट करेंगे और फिर दूसरी साइड इस तरीके से रखेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। अब इसको कर देंगे कटिंग इस तरीके से, तो हमने कटिंग भी कर दिया ये देख सकते हैं। अब इसको हम पट्टी को लेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे एक साइड। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। अब इसको भी कर देंगे कट। तो हमने ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये पट्टी लेना है और इसको भी, तो ये देखिए एक साइड इस तरीके से भी हमने इसको सिलाई कर लिया। तो ये हमारा दो पीसेस इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा है इसको अच्छे तरीके से हम बराबर कर कटिंग कर देंगे चारों साइड से इस तरीके से। इधर भी हमें इसी तरीके से, तो इस तरीके से हमें चार पीसेस की ज़रूरत है। तो दो हमने आप लोग को बनाकर बता दिया है और दो हमने पहले से बनाकर रखा था। वीडियो में अगर आप लोग को कुछ भी समझ में ना आए तो आप व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर दिया। अब ये जो हमने पीसेस लिया था इसको इस तरीके से, ये देखिए कॉर्नर में हमें सिलाई करना है। तो एक साइड हमने कर लिया ये देख सकते हैं, और इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है। हमें इस पीसेस को कट नहीं करना है और दूसरी साइड भी हम इसको अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए, और ये अब इसको भी हम सेम ही रखेंगे, फोल्ड करेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई करेंगे। और ये देखिए अब दूसरी साइड भी हम इसको सेम ही करेंगे।
तो ये देखिए हमने सिलाई कर दिया, अब इसको कर देंगे कटिंग। तो हमने इस तरीके से कटिंग भी कर दिया, तो ये देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने चार पीसेस को सिलाई कर लिया, दो आप लोग को कर बताया और दो हमने पहले से रखा था कर। तो ये जो हमने ये व्हाइट वाले पीसेस को हमने सिलाई किया था इस तरीके से, अब इसको हमें राउंड में सिलाई करना है हल्का। तो इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई कर लेना है। आप सुविधा के से भी कर सकते हैं अगर आप चाहिए तो, और नहीं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, देख सकते हैं ये देखिए। तो आप इसको चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी बना सकते हैं, आप बेड शीट, पिलो कवर, कुशन कवर, सिंगल डबल, अभी आपको दिखा दे रहे हैं किस तरीके से बनाना है। अगर आप चाहे तो एक ही कलर का बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हमने ये देखिए कर लिया है, और इसी तरीके से आपको कर लेना है, ये देखिए फोल्ड करना है और सिलाई करना है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, जितना भी हमारा पीसेस था हमने इसी तरीके से पूरे पीसेस को सिलाई कर लिया। अब हमने ये पट्टी लिया है इस तरीके से, तो ये पट्टी हमने 2 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की लंबाई लिया है, ये छोटा वाला जो हमारा पीसेस है, और पट्टी हमने 2 इंच की चौड़ाई लिया है, लंबाई जितना भी लगेगा उसी तरीके से हम यूज करेंगे। तो ये देखिए हमने पट्टी को लेना है और इस तरीके से अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो एक साइड तो हमने सिलाई कर लिया इस तरीके से, और अब इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और दूसरी साइड हमें सेम ही अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई करना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया इस तरीके से, अब ये दूसरी साइड इसको भी रखेंगे ये पट्टी, और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इसमें भी हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया, और इसको भी अब सेम ही रखेंगे, अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, तो ये हमारा इस तरीके से दो पट्टी बनकर तैयार हो गया है। अब हमें व्हाइट वाला पीसेस लेना है और इसके ऊपर ये हमें मैरून का पीसेस रखना है और सिलाई कर देना है। तो ये देखिए हमने सिलाई कर लिया, अब हमें इस तरीके से पीसेस को रख कर पहले देख लेना है। तो ये देखिए हमने दूसरी साइड इसको इस तरीके से रखा है और हमने इस तरीके से सिलाई कर दिया है, और इसको दोनों को आपस में मिलाते हुए अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने कट कर दिया जो एक्स्ट्रा था, और इसको हम आराम आराम से सिलाई करेंगे कि जो हमारा सिलाई है सिलाई पर ही रहे, तभी हमारा जो डिज़ाइन बनेगा अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ बनकर कंप्लीट होगा। देख सकते हैं किसका इसका लुक किस तरीके से बनकर आया है। तो अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड ये पीसेस रखना है और इसको भी अच्छे तरीके से बराबर करते हुए सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हम दूसरी साइड भी आराम आराम से सिलाई करेंगे। तो आप इसी तरीके से अगर आप इसमें बेड शीट बना सकते हैं, कुशन कवर, पिलो कवर, डोरमेट, फ्लोर मेट, कुछ भी इस डिज़ाइन से बना सकते हैं, जैसा भी आपको जो भी बनाना हो इजी लगे वो बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने ये दूसरी साइड भी सिलाई कर दिया और ये हमारा इस तरीके से बनकर आया, देख सकते हैं। आप इसमें चाहे तो इसी तरीके से एक एक ज्वाइंट भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें पट्टी लगाना है इस तरीके से। तो ये देखिए हमने इस तरीके से एक्स्ट्रा जो है हमें इसको कर देना है कटिंग चारों साइड से। तो हमने इस तरीके से कटिंग कर दिया, इस साइड भी इसको कर देंगे कटिंग, ये देखिए। तो इसको भी हमने इस तरीके से कटिंग कर दिया और इसको भी हमने इस तरीके से कटिंग कर दिया। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने चार ये फ्लावर जो बनाया है ये हमने एक कलर में बनाया है। अगर आप मल्टी कलर में बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है बनाना। तो ये देखिए इसका लुक इस तरीके से आया है। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें पट्टी लगाना है, ये देखिए इस तरीके से। आप चाहे तो इसमें प्लेन पट्टी भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसमें आप जो मैरून कलर का हमारा है चारों साइड से उसको भी पीसेस को छोटे छोटे कोल लेना है। तो हमने चार पीसेस लिया है इस तरीके से और ये हमने पट्टी लिया है, तो हमारा पट्टी सेम ही है 2 इंच की चौड़ाई। तो देखिए एक साइड हमने पट्टी लगा दिया इस तरीके से, और इस तरीके से हम रखेंगे दूसरी साइड भी पट्टी लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको रखना है और अच्छे तरीके से बराबर कर सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने पट्टी इस साइड भी लगा दिया इस तरीके से, अब इसको कर देंगे कटिंग। तो ये देखिए हमने कटिंग भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस साइड हमें इस तरीके से लेना है पट्टी को और हमें इसमें मैरून लगाना है। अगर आप चाहे तो ये देख सकते हैं प्लेन भी इस तरीके से लगा सकते हैं।
तो पट्टी लगाने का भी दो तीन तरीका है, अब जो भी आपको आसान लगे आप लगा सकते हैं, प्लेन भी लगा सकते हैं, वाइट भी मतलब चाहे तो लगा सकते हैं, वो भी बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं करना है। तो हमने इस तरीके से रखना है और ये मैरून वाला दोनों साइड रख कर और फिर सिलाई करेंगे। ये देखिए पहले हमने इस तरीके से सिलाई कर लिया और अब इसको कर देंगे कटिंग। अब यहाँ से हम रखेंगे इसको और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए और इसी तरीके से हम कर देंगे इसको कटिंग यहाँ से आधा इंच की छोड़कर। फिर हमें ये जो मैरून कलर का पीसेस है उसको रखेंगे और अच्छे तरीके से बराबर करते हुए हम सिलाई कर लेंगे इसमें भी। इससे क्या होगा, जब हम इस तरीके से जब पट्टी लगाएंगे तो हमारा इधर उधर नहीं होगा, लाइन पे ही रहेगा, अच्छे तरीके से ये सेट होगा। तो ये देखिए हमने इस साइड भी इसको सिलाई कर लिया, तो देख सकते हैं ये हमारा एक साइड हमने कर लिया और सेम ही हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने दूसरी साइड भी सिलाई कर लिया। अगर आप चाहे तो जिसे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर में भी बना सकते हैं, बेडशीट देख सकते हैं। अगर आप लोग बोलिए तो इस तरीके से हम आप लोग को बनाकर पूरा दिखाएंगे। बेबी फलिया का डिज़ाइन हमारे पास मतलब ऑर्डर आया था, तो इसका डिज़ाइन का तो यही डिज़ाइन आप लोग को हम बनाकर दिखाएंगे, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करिएगा तो। और ये देख सकते हैं इस कलर में भी आप बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर में। तो यही डिज़ाइन हमने एक ही कलर में बनाया है, अगर आप चाहें तो यही डिज़ाइन आप जो कलर आपका चाहिए आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमने थोड़ा पट्टी अलग लगाया है, हमने प्लेन नहीं लगाया है, उसमें प्लेन पट्टी लगा है। आई होप आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आया होगा और हमारे सिलने का तरीका भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग को हमारे बताने का तरीका समझ में आया होगा, अगर ये डिज़ाइन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा।